हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सारास डायरी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में नवरात्रि स्पेशल ये गरबा लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वाला लुक आपको पसंद आए। सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को जो है अच्छे से टाइप कर रही हूँ एंड यहाँ पे जो है मैंने अपना स्किन केयर रूटीन अच्छे से कर लिया है। हम डायरेक्ट मेकअप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, 3-in-1 प्राइमर है ये। काफ़ी स्मूथ है, अगर आपके ओपन पोर्स वगैरह है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मैं अपने पूरे फेस पे जो है ये प्राइमर लगा ले रही हूँ ताकि मेरा जो बेस है वो काफ़ी अच्छा स्मूथ रहे। तो उसके बाद में जो है मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मेबलिन फिटमी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है 128, तो ये नॉर्मल सबको सूट हो जाता है, तो मेरे लिए भी यही परफेक्ट शेड है। मैं अपने पूरे फेस पे जो है डॉट डॉट करके पहले अप्लाई करूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड ब्यूटी ब्लेंडर को जो है हम थोड़ा सा वेट करके ही देन अप्लाई करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर में मेरा फेवरेट जो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर वो यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो शेड है वो काफ़ी अच्छा है। शेड का नेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। एंड ये शेड काफ़ी परफेक्ट है। हमेशा जो कंसीलर है वो एक शेड लाइटर लेना चाहिए अपने स्किन टाइप से, सॉरी स्किन कलर से। अच्छे से जो है मैं अपने पूरे कंसीलर को हाईलाइट एरिया पे जो है ब्लेंड कर दूंगी। एंड नाउ सबको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जस्ट हर्ब्स का जो है कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छे से मैटिफाई करता है स्किन को। उसके बाद मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का जो है काजल यूज़ करने वाली हूँ एज अ आई लाइनर एंड एज अ काजल ऑल्सो। ये ग्रीन कलर में है। मैं इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड ही रखने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं इसको जो है हल्का सा स्मच करने वाली हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे शाई स्टाइल एक्स कफ्स एंड लैशेस वाला आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। इसमें काफ़ी सारे शेड्स वैरायटीज़ वगैरह है, आप देख सकते हो, ब्लू ग्रीन पर्पल पिंक एंड रेड वाला। तो यहाँ पे जो है मैं ग्रीन कलर अभी यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लेके अपने आउटर एरिया पे जो है पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड उसी के बाद में जो है मैं थोड़ा सा रेड कलर लेके अपने जो लिड है मिडल वाली, तो मिडल में रेड कलर थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। एंड रेड कलर अप्लाई करने के बाद में उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा रेड कलर में ही शिमर अप्लाई करूँगी एंड इनर कॉर्नर्स में फिर मैं येलो कलर अप्लाई करूँगी। बिकॉज मुझे ये जो लुक है वो थोड़ा कलरफुल चाहिए था, इसी वजह से मैंने इसमें 3 कलर्स मेनली रखे हुए हैं। एंड जब तीनों कलर मैं अप्लाई करूँगी उसके बाद मैं अच्छे से जो है ब्लेंड करना है, बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ द की, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। एंड उसके बाद में मैं फेसेस कनाडा के वही काजल जो ग्रीन कलर का है वही अपने वाटर लाइन में लगा लूँगी। एंड जितने भी कलर्स मैंने ऊपर अप्लाई किए वो सारे कलर्स थोड़ा थोड़ा करके मैंने नीचे भी लगा लिए है ताकि जो लुक है वो पूरा कम्प्लीट हो जाए। ऑलराइट, उसके बाद में हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है, तो काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है काफ़ी। मस्कारा लगाना हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप फॉल्सीज भी नहीं लगाते हो तो भी एटलीस्ट आपको मस्कारा लगाना चाहिए, तो जिससे कि आपकी जो लैशेज है वो काफ़ी वॉल्यूमनाइज लगती है। एनीवेज मैं यहाँ पे तो फॉल्सीज लगा रही हूँ, तो ये वाला जो पैकेट था वो मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था। ये वाली फॉल्सीज जो है मैंने लगा ली थी। ट्रस्ट मी, फॉल्सीज के बाद में मेकअप लुक चेंज ही हो जाता है। एंड उसी के बाद में मैं शुगर का यहाँ पे पैलेट ले रही हूँ 3-in-1 का, जिसमें कि ब्रॉन्जर, हाईलाइटर एंड ब्लश है।
पे मैं ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग करने के बाद में थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूंगी एंड इसके बाद में जो है फैन ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा हाइलाइटिंग भी कर लूंगी। सो हाइलाइटिंग के लिए आपके जितने भी हाई पॉइंट्स है वहाँ पे आपको ज़रूर हाइलाइटिंग करनी चाहिए एंड उसी के बाद में मैं एक छोटा सा ब्रश लेके अपने इनर कॉर्नर्स पे भी थोड़ा सा हाइलाइटिंग कर लूँगी जिससे मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में हम मूव करेंगे लिपस्टिक की तरफ पे। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे शुगर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मिनी, एंड इसका जो शेड है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी। बहुत ही अच्छा रेड कलर है। हमेशा जो है आई शेडो एंड लिपस्टिक लगाते वक्त अपने आउटफिट की तरफ ज़रूर ध्यान रखें कि आपका आउटफिट का कलर कौन सा है, उसी हिसाब से जो है कलर कॉम्बिनेशन करें। लेट्स सी, मेकअप इज कम्प्लीट, सो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे जो है ऑक्सराइज की ज्वेलरी पहन ली है बिकॉज नवरात्रि में इस टाइप की ज्वेलरीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, होती है, बहुत ज़्यादा पहना जाता है। हेयर स्टाइल को जो है मैंने थोड़ा बेसिक ही रखा है एंड अभी पूरा अच्छे से मेकअप होने के बाद में मैं आपको जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस।